हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो आज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ का यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो नीट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर किया जा रहा है। ट्वेल्थ के बाद जो है एलेवेंथ ये भी कवर कराया जाएगा। अभी जो है आपको ये ट्वेल्थ स्टार्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बच्चे ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं, जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का, उनके लिए भी एक तरह से ये रिवीजन का काम कर देगा। इसलिए हम क्लास ट्वेल्थ से स्टार्ट कर रहे हैं और जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना ये पहले देखेंगे, देन उसके बाद जैसे जैसे हम लोग क्लास अलेवेंथ पे आएंगे वहाँ पे भी वो अपना रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का सबसे पहला यूनिट जो है वो रिप्रोडक्शन है। उसमें भी सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो आज हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन मतलब होता है, इसको हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, री और प्रोडक्शन इससे बना हुआ है। मतलब जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा एबिलिटी हो कि वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना दे। री मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन मतलब होता है सिंथेसिस। मतलब अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कराना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसी के बारे में इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है कि रिप्रोडक्शन देखना है, लेकिन किन में, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यहाँ क्लियर नहीं बताया गया कौन से ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हम सबको पता है कि इस अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, जैसे कि माइक्रोब्स हैं, ये अलग अलग फॉर्म है ऑर्गेनिज्म का। तो यहां पे जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखना है, क्लियर। तो एक तरह से इसी चैप्टर को हम लोग इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जब पता ही नहीं चल पा रहा है कि किन में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम ये पता जरूर कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होगा। मतलब अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की पता कर लें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का अगर पता चल जाए अपन को, तो क्या होगा, हम लोग इसमें देख लेंगे कि किस में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है। उसके आधार पर पता चल जाएगा कि प्लांट्स में कैसा रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन और माइक्रोब्स में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, क्लियर। तो एक तरह से इस चैप्टर को इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लियर। अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पृष्ठ पे, मतलब फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है। भाई यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन और इसमें लाइफ स्पैन का चर्चा किया गया, क्यों, क्या रिलेशन है, तो पहले इस रिलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए लाइफ स्पैन रिप्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है, हम सबको पता है कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्लियर, उनका अगर देखा जाए तो लाइफ स्पैन क्या होता है, वो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का समय होता है। मतलब वैसा टाइम पीरियड जब से वो जन्म लिए और उनका नेचुरल डेथ हो जाए, उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समझने वाला बात है। तो इसी लाइफ स्पैन का पार्ट होता है, एक तरह से कहा जाए रिप्रोडक्शन। मतलब बर्थ हुआ, बर्थ से नेचुरल डेथ हुआ, इसी पीरियड में एक आता है फेज जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, क्लियर। तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है ना, उसी फेज पे ये पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है रिप्रोडक्शन। इसीलिए यहां पे लाइफ स्पैन जो है वो रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से, क्लियर। अभी आपको
पांच मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। देखिए लाइफ स्पैन अगर कहा जाए, यहां से अगर हम समझें लाइफ स्पैन क्या होता है, तो इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है, ठीक है ना, जब उनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु नेचुरल डेथ तक का समय है। इसमें ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंटल डेथ नहीं लेते हैं। सर एक्सीडेंटल डेथ क्यों नहीं लेते? तो इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर हम एक्सीडेंटल डेथ लेने लगे तो यहां पे हजारों लोग जो है एक्सीडेंट से डेली एक्सपायर करते हैं, तो वो अगर हम लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग अगर उसको ऐड करने लगे तो क्या होगा, हमारा जो लाइफ स्पैन एवरेज है ना वो और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए जेन्यून रिजल्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, जेन्यून रिजल्ट लेने के लिए लाइफ स्पैन हम लोग बर्थ से नेचुरल डेथ रखते हैं, क्लियर। तो अब यहां पे हम लोग बात करें लाइफ स्पैन के बारे में, तो इस बर्थ से नेचुरल डेथ के पीरियड में क्या क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर बर्थ हुआ, बर्थ के बाद जो है उसमें सबसे पहला फेज आ जाता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज चूंकि ये बायोलॉजी में बोलते हैं, लेकिन यहां पे इसको चाइल्डहुड फेज भी बोल सकते हैं, वैसा फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होता है। जब बर्थ होता है तो उनके बाद ग्रोथ होता है, तो मैक्सिमम ग्रोथ का जो फेज होता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, इसी को चाइल्डहुड फेज भी बोलते हैं, क्लियर। दूसरा अगर देखें तो इसी के अंदर आता है जब मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है, जैसे अपन ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग अपना ही एग्जाम्पल ले लें, तो देख सकते हैं क्या कि हम लोग का जब जन्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होता है, उसके बाद 12 साल के बाद अपने अंदर क्या होता है, गैमिट्स बनने लगते हैं, मतलब गैमिटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब एक वैसा फेज जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसे हम लोग 12-13 के उम्र में क्या होता है, अपने अंदर गैमिट्स बनने लगता है, क्लियर। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके अंदर रिप्रोडक्शन का एबिलिटी आ जाए या फिर गैमिटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाए, क्लियर, तो उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं या फिर फेज ऑफ एडोलसेंस बोलते हैं। तो ये लाइफ स्पैन में ही जुवेनाइल फेज, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ के बाद जो है ये रिप्रोडक्टिव फेज आता है, और इसी रिप्रोडक्टिव फेज पे ना पूरा चैप्टर बना हुआ है, इसीलिए लाइफ स्पैन यहाँ पे रिप्रोडक्शन से जुड़ा है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है एट द एज ऑफ 50, 55, 45, क्लियर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीनेसेंट फेज, ठीक है जी, इसी को अपन ओल्ड एज भी बोलते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये लाइफ स्पैन की अगर बात कर ले तो लाइफ स्पैन बर्थ टू नेचुरल डेथ हुआ, जिसमें तीन फेज आ गए। पूरे जीवन में अपन क्या करते हैं, तीन फेज कंप्लीट करते हैं, एक तो जुवेनाइल फेज जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ होता है, देन उसके बाद आ जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, देन उसके बाद जब सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो धीरे 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 उसमें एज निकलता है, उसके बाद जो है वृद्ध अवस्था आता है, ओल्ड एज आता है, जिसको अपन बोलते हैं सीनोसेंट फेज। और इसमें जो है क्या होता है, एक तरह से कहा जाए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह कम होने लगते हैं, और इसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। तो यही कहलाता है लाइफ स्पैन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये लाइफ स्पैन कहलाया। अब हम लोग कहेंगे कि सर ये लाइफ स्पैन जो है रिप्रोडक्शन से कैसे रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिप्रोडक्टिव फेज है ना, इसी के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रही है, क्लियर, इसी पे ये पूरा चैप्टर बना हुआ है, इसीलिए एक अलग से टॉपिक हम लोग लाइफ स्पैन पढ़ते हैं। अब अपन जानेंगे लाइफ स्पैन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या वो साइज पे डिपेंड करता है क्या, तो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे सब नहीं करता है, तो देखिए आपके सामने एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एक पैरट का जो साइज है ना वो क्रो के साइज, क्रो, पैरट और क्रो का जो साइज है लगभग लगभग बराबर है, ठीक है ना, लेकिन अपन देखे तो लाइफ स्पैन जो है ना वो 10x डिफरेंस होता है। कैसे सर, तो अभी आपको बता रहे हैं 10x कैसे डिफरेंस होगा। तो यहां पे लगभग लगभग पैरट का जो साइज है
पैरट का साइज जो है वो क्रो के बराबर है, क्लियर। लेकिन पैरट जो है 140 इयर्स जो है इसका लाइफ स्पैन है, 140 साल, लेकिन क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो मात्र 15 इयर्स। तो इसमें और इसमें जो है आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है, 10x, 10 गुना डिफरेंस है। अगर साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड करता तो क्या ये 10 गुना डिफरेंस होता? नहीं, ये 15 साल है तो ये 14 साल, 15 साल, 16 साल हो सकता था, तो उसको हम बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं बोलते। लेकिन 10 गुना जब डिफरेंस है तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेटेड विथ साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा। उसके बाद इसी लाइफ स्पैन से रिलेटेड दूसरा हम लोग टॉपिक जानेंगे, दूसरा पॉइंट जानेंगे कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना इस अर्थ पे, वो इमॉर्टल होते हैं। कैसे होते हैं? इमॉर्टल मतलब एक तरह से कहा जाए अमर होते हैं, ये मरते ही नहीं है कभी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल होते हैं, क्यों भाई? तो ये अपना जो लाइफ है ना, अपना जो जीवन है ना, वो अपना जीवन कंटिन्यू रख पाते हैं अपने डॉटर सेल के रूप में। कैसे सर? तो कोई अमीबा मान लीजिए या फिर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपना डॉटर सेल बनाता है, टूट करके दो नए डॉटर सेल बनाते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म टूट करके दो नया ऑर्गेनिज्म बना, तो क्या इसमें कोई डेड बॉडी रहा क्या? नहीं रहा सर। तो इसलिए यहां पे ये जो ऑर्गेनिज्म था अपना लाइफ अपने डॉटर सेल के फॉर्म में क्या कर रहा है, कंटिन्यू रख पा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इमॉर्टल। अपन लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम लोग क्या है, इमॉर्टल नहीं होते हैं, हम लोग मॉर्टल हैं, क्योंकि अपना लाइफ कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। एक समय आता है 70 साल लाइफ स्पैन है हम लोग का, तो इसमें एक समय 70 साल के बाद क्या होगा, तो ये बॉडी जो है ना हम लोग छोड़ देंगे इसी तरह से, तो ये डेड बॉडी हो गया, मतलब अपन का क्या होता है, डेड, डेथ होता है, मतलब हम लोग इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल कौन है? यूनिसेलुलर है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ लाइफ स्पैन से रिलेटेड। अब तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, तो ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट, मतलब उनका अप्रोक्स लाइफ स्पैन दिया हुआ है, जो आपको ध्यान में रखना होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लियर। वही कोशिश किया गया है लिखाने का, उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट अलग होगा, क्लियर। जैसे देखते हैं अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन कुछ ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें आता है एलिफेंट 75 इयर्स, डॉग 25 इयर्स, रैबिट 13 इयर्स, मंकी 26 ईयर, काउ 20 इयर्स, हॉर्स 50 इयर्स, क्रो 15 इयर्स, पैरट 140 इयर्स, क्रोकोडाइल 60 इयर्स, टर्टोइज 100 टू 150 इयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्लियर। टर्टोइज के बारे में, ये एनिमल का सबसे ज्यादा जीने वाला ऑर्गेनिज्म है, एनिमल के अंदर देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम लाइफ स्पैन टर्टोइज का हम लोग मानते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए तो ये 100 टू 150 दिया हुआ है, तो आपको यही याद रखना होगा, क्लियर। ऐसे जो है ये 100 टू 150 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन एनसीईआरटी में यही दे रखा है, तो आप यही याद रखेंगे, क्लियर। अब जो है उसके बाद बटरफ्लाई 1 to 2 week, फ्रूट फ्लाई 1 month, मे फ्लाई 1 day, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको बैक्टीरिया वगैरह दिखते हैं ना, वो फ्यू मिनट्स या आवर्स, 20 मिनट, ठीक है ना, 90 मिनट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसका लाइफ स्पैन होता है। ईस्ट वगैरह का, इकोलाई का 20 मिनट, ठीक है ना। रोज प्लांट 7 days, बनाना ट्री 10 to 25 days, राइस प्लांट 4 to 6 month, ठीक है ना, बनियान ट्री 200 to 300 years, पीपल ट्री 2000 to 3000 years। वही लैरिया ट्राइनेटा टा अगर देखा जाए तो 11,300 years जो है ये अभी भी सर्वाइव, अभी भी लाइफ प्लांट है ये, क्लियर। ये कैलिफोर्निया में ये प्लांट पाया जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम लाइफ स्पैन प्लांट्स में अगर देखे तो इसी का है, ठीक है ना, ट्राइडेंट टाटा का। और वहीं एनिमल की अगर बात करें तो टर्टोइज, याद रहेगा टर्टोइज एनिमल, और टी ट्राइडेंट टाटा का टी
ये प्लांट्स, मतलब दोनों में टी ही आपको याद रखना है। इस तरह से ये एक टॉपिक लाइफ स्पैन कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट करिए। चलिए तो आगे अब हम लोग दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन लेते हैं। इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन का है। देखिए रिप्रोडक्शन जो है ये हम जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इसका मतलब ही निकलता है री और प्रोडक्शन, जहां पे दोबारा से अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहां पे देखा जाए कि रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं, तो इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे रिप्रोडक्शन सिर्फ इसलिए करते हैं कि अपने स्पेसीज को कंटिन्यू रख पाए इस अर्थ पे, मतलब अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए अपने स्पेसीज का एक तरह से कहा जाए कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब सवाल आता है कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, तो लगभग लगभग मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो स्टेराइल होते हैं, जैसे म्यूल वगैरह है, ठीक है ना, ये स्टेराइल होते हैं, लिविंग होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये लिविंग द लिविंग वर्ल्ड में ही पढ़ना था कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, एक तरह से कहा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब हम लोग को पता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन से ओवरऑल होता क्या है, तो इंक्रीज इन स्पेसीज पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस भी स्पेसीज में रिप्रोडक्शन होगा उनके स्पेसीज में क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगी। क्लियर? एक सेकेंड, साइलेंट कर देता हूं। चलिए तो बता रहे थे कि रिप्रोडक्शन से क्या होता है, तो उस स्पेसीज का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। अब अपन आएंगे और देखेंगे कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, उनमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेनली रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होता है, एक या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यही तो ऐसा तरीका है जिसके द्वारा इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं भाई, यही दो तरीका है। कैसे क्या होता है अब इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। ध्यान दीजिएगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में किस चीज का अंतर है, तो सिर्फ इस ए का, वहां ए लगा हुआ है यहां पे नहीं है। तो ए का मतलब क्या होता है, किसी भी नाम के पहले अगर ए लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है नॉट, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहां पे देखा जाए तो सेक्स सेल, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स सेल और सेक्स सेल का मतलब होता है गैमिट। क्लियर? तो जहां पे गैमिट ना हो, मैक्सिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? कहे कि बाद में जो है पार्थिनोजेनेसिस डिस्कवर हुआ और वहां से गैमिट्स इन्वॉल्व हो गए। क्लियर? तो मैक्सिमम केस में क्या हो, जहां पे गैमिट ना हो वैसे रिप्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। और सेक्सुअल मतलब होता है सेक्स सेल और सेक्स सेल का मतलब होता है गैमिट। तो जहां पे गैमिट इन्वॉल्व होगा ही होगा, ठीक है ना, यहां पे नो एक्सक्यूज, तो उसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो ये हम लोग कहते क्या है, रिप्रोडक्शन दो तरीका का हुआ। अभी धीरे धीरे और क्लियर होगा। अब यहां पे सबसे पहले इसका नाम क्लियर हो चुका है सर, कि यहां पे जहां वैसा रिप्रोडक्शन जहां पे गैमिट्स ना हो, ठीक है ना, उसको एसेक्सुअल, जहां पे गैमिट्स हो उसको सेक्सुअल। क्लियर? ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो जनरली देखा जाता है कैसा होता है, यूनिपैरेंटल, मतलब ये एक ही पैरेंट वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आपके सामने हम यहाँ डायग्राम से बताने का कोशिश करेंगे कि एक ही पैरेंट होंगे, मतलब ये पैरेंट हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्लियर। तो एक ही पैरेंट होंगे और यहां पे विथ या विदाउट गैमिट इन्वॉल्वमेंट, मतलब यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म तो बनाएगा लेकिन बिना किसी गैमिट के इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है ना, बिना किसी गैमिट के, ये है डॉटर सेल, बिना किसी गैमिट के इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, इनका नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमिट इन्वॉल्वमेंट का होता है विथ किसी किसी केस में, जैसे पार्थिनोजेनेसिस में गैमिट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम आगे बताएंगे, पार्थिनोजेनेसिस आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे विदाउट इन्वॉल्वमेंट गैमिट से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, फीमेल गैमिट सिर्फ विदाउट इन्वॉल्वमेंट नहीं, मतलब वहाँ पे जो है गैमिट इन्वॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमिट इन्वॉल्व होता है, क्लियर। तो सिर्फ फीमेल गैमिट इन्वॉल्व होकर के अपना नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, वो कैसे हो रहा है वो हम जब पार्थिनोजेनेसिस पढ़ाएंगे उस समय क्लियर करेंगे। अभी अपन जानेंगे कि यहाँ विथ सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस के लिए लगा, जहाँ पे एक ही पैरेंट इन्वॉल्व हुआ और वहाँ गैमिट इन्वॉल्व हो गया, नहीं तो मैक्सिमम केस में क्या है, विदाउट गैमिट इन्वॉल्वमेंट, याद रखिएगा। तो यहाँ विदाउट गैमिट इन्वॉल्वमेंट के रेस्पेक्ट में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ना तो कोई गैमिट होता है इसलिए ना कोई फ्यूजन ना कोई फर्टिलाइजेशन होता है। हम जानते हैं कि जहाँ पे मेल फीमेल गैमिट होते हैं वहीं पे क्या होते हैं, फ्यूजन ऑफ हैप्लोइड मेल एंड फीमेल गैमिट, बट यहाँ पे क्या है, कोई गैमिट्स नहीं है इसलिए यहाँ पे गैमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, मतलब ये जो डॉटर सेल बने हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने आपस में ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली देखने में और जेनेटिकली जेनेटिक स्तर पे भी ये दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, और सिमिलर टू इटसेल्फ हो गया एंड टू दी पेरेंट, मतलब ये अपने पेरेंट के जैसे होंगे, ठीक है ना, सेम टू सेम होंगे अपने पेरेंट के जैसे भी और आपस में भी सेम होंगे, इसलिए इसको अपन क्लोन्स बोलते हैं, याद रखिएगा क्लोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। क्लोन्स जो है कई बार पूछा गया है क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट के जैसे होते हैं जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन्स मिलता है, क्लियर। वहीं अपन देखें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जस्ट उसका अपोजिट होता है, वहां पे यूनिपैरेंटल था, यहाँ बाईपैरेंटल होगा, क्लियर। यहाँ पे गैमिट्स इन्वॉल्व होगा क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है गैमिट, तो विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स। उसके बाद जब गैमिट इन्वॉल्व होगा तो मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा और साथ साथ यहाँ वेरिएशन होता है, मतलब ऑफ स्प्रिंग पेरेंट के जैसा आइडेंटिकल नहीं होगा, क्लियर। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑफ स्प्रिंग ट्विन्स हो सकता है लेकिन पेरेंट के जैसा सेम नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्लोन्स नहीं होते हैं, यहाँ वेरिएशन होगा, क्लियर। पेरेंट से प्रोजेनी में वेरिएशन होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने बाई पेरेंटल, मेल फीमेल, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, ठीक है, ये ले लिया, मेल पेरेंट से बनेगा मेल गैमिट, यस सर, फीमेल पेरेंट से बनेगा फीमेल पेरेंट फीमेल गैमिट, इन मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुआ, बना जाइगोट, यही जाइगोट आगे चल करके क्या बनाएगा, तो यही ऑफस्प्रिंग बनाएगा, मतलब इनका संतान प्रोजेनी बनाएगा। ये 100% ना तो मेल जैसे ना ही फीमेल जैसे होंगे, ये दोनों के क्रॉसिंग ओवर से बना है, तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिला। तो ये है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से अपन रिप्रोडक्शन पढ़े, रिप्रोडक्शन का टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे अपन स्टार्ट करेंगे एक तरह से कहा जाए सबसे पहला रिप्रोडक्शन का टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। तो इसको नोट करिए।